सर एंड मैं आपको बताऊंगा गाने एंड आभूषण से कुछ मोस्ट वोकैबुलरी वर्ड के बारे में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप चैनल पर फंसते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमगा होता है, तमगा यानी कि तमगा को बोलते हैं मेडल, आप इंग्लिश में बोलते हैं मेडल, लेकिन आपको क्या पता है कि तमगा मेडल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तमगा बोलते हैं मेडल को, तमगा बोलते हैं। एंड यहाँ पर आपको बोलना है तमगा को इंग्लिश में मेडल बोलते हैं और हिंदी में तमगा बोलते हैं, तो आपको मेडल को ध्यान देना है। अक्सर आप गलती क्या करते हैं कि इंग्लिश तो बोलते हैं मेडल, लेकिन आपको हिंदी नहीं पता होता है, इसलिए मैं हिंदी को बता दिया कि मेडल को हिंदी जो होता है मेडल आप इंग्लिश में बोलते हैं तो उससे बोलते हैं तमगा, हिंदी में इसे तमगा बोलते हैं, तो आपको इसे ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है तल्ला कान का। जो तल्ला कान का होता है, जैसे कि आप यहाँ से इमेज में देख सकते हैं, ये तल्ला कान का है, तो उसे बोलते हैं ईयर स्टड। ठीक है, ईयर स्टड यानी कि कान का तल्ला। ठीक है, कान का तल्ला यानी कि ईयर स्टड। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे बढ़िया तरीके से याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, टोड़ा कंगन या पहुंची। टोड़ा हो, कंगन हो या पहुंची हो, तो उससे हम लोग को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो गोला होता है इस तरीके से कुछ होता है, गोले में इसके इस तरीके से लगा होता है कुछ, तो इस तरीके से जो होता है जैसे कि आप यहाँ से इमेज में देख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं टोड़ा कंगन एंड पहुंची को बोलते हैं रिस्ट लेत यानी कि टोड़ा कंगन या पहुंची भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है नथ यानी कि नोज रिंग। नथ को बोलते हैं नोज रिंग, नथ को क्या बोलते हैं, जो नाकों में पहनते हैं और उसे बोलते हैं नोज रिंग, क्या बोलते हैं नोज रिंग। नेक्स्ट क्या है नीलम। अगर हम नीलम नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से इमेज में देख सकते हैं ये नीलम है, इसे आपको डायमंड नहीं समझा, नीलम ही डायमंड होता है, तो आप जान चुके होंगे कि नीलम क्या होता है। और नीलम को इंग्लिश में बोलते हैं सैफायर, सैफायर। नीलम को इंग्लिश में बोलते हैं सैफायर, नीलम को इंग्लिश में बोला जाता है सैफायर। नेक्स्ट वर्ड है क्या है कि पन्ना, पन्ना। अगर आप जाते हैं कहीं पर आभूषण आभूषण के लेने, तो आप नीलम का नाम सुने होंगे, पन्ना का नाम सुने होंगे, क्या आप उसे जानते हैं कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे आप ध्यान दीजिए, उसे इंग्लिश में बोलते हैं एमराल्ड, एमराल्ड। पन्ना को क्या बोलते हैं एमराल्ड, पन्ना को क्या बोला जाता है एमराल्ड बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे पन्ने अलग अलग के, तो उसे बोलते हैं एमराल्ड। यहाँ कहाँ लगता है, अंगूठी में लग सकता है, रिंग में, और अलग जगह भी लग सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो बोलते हैं पन्ना को एमराल्ड, एमराल्ड। ठीक है, एमराल्ड यानी कि पन्ना होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्या है पेती, पेती को बोलते हैं बेल, जो कि यहाँ से देख सकते हैं गोल्डन बेल्ट है, गोल्ड बेल्ट है, इसे बोलते हैं पेती। पेती को क्या बोलते हैं गोल्ड यानी कि बेल्ट, यानी कि बेल्ट होता है। ठीक है ना, तो बेल्ट को क्या बोलते हैं पेती बोलते हैं। नेक्स्ट का है कि पायजेब, पायजेब, पायजेब जैसे कि पाँव में पहना जाता है कुछ इस तरीके से, उसे बोलते हैं हिंदी में पायजेब, और या पायल भी बोल सकते हैं, तो आप इसमें कोई इशू नहीं है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं एंकलेट, एंकलेट, एंकलेट। अगर आपको पता नहीं है कि पायल को या पायजेब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में इसे ध्यान देना है, एंकलेट बोलते हैं, एंकलेट। ठीक ना, एंकलेट। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है क्या है पुखराज, पुखराज जिसे बोलते हैं टॉप पैज, टॉप पैज। पुखराज जो होता है कुछ इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं टॉप पैज, टॉप पैज यानी कि पुखराज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पोलकी यानी कि दुया बोल सकते हैं या पत्थर बोल सकते हैं, पोलकी को बोलते हैं आप, पोलकी बोलते हैं या बोल सकते हैं दुधिया पत्थर भी बोल सकते हैं, जिसे ओपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओपल। जैसे कि इस तरीके से कुछ होता है, आप दिखे होंगे, अगर नहीं दिखे होंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे आभूषण में यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं दुधिया पत्थर या इंग्लिश में बोलते हैं इसे पोपल, पोपल। ठीक है ना, ओपल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ओपल, सॉरी ओपल बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसे ओपल बोल सकते हैं, जो पोलकी बोलते हैं दुधिया पत्थर, अगर भी नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है फिरोजा, फिरोजा को बोलते हैं टर्कोइज, टर्कोइज, टर्कोइज यानी कि फिरोजा होता है, टर्कोइज यानी कि फिरोजा होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि आपको यहाँ पर इमेज के साथ साथ वर्ड मीनिंग दिया जाता है। अगर साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके सीधे पूछ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।